अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों इस वक्त मैं अपने किचन गार्डन में खड़ा हूँ और आज जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो थोड़ी सी मुनफरद है, आप भी देखें और इंजॉय करें उससे। तो है इस तरह से कि पिछले साल मैंने ब्रोकली काश्त की थी और ब्रोकली के साथ जो ऑर्नामेंटल कैबेज होती है, जो सजावटी गोभी के जो पौधे होते हैं, वो भी साथ में कुछ लगे हुए थे। तो उनसे हुआ ये कि ब्रोकली के सीड के साथ उनका सीड जो है वो क्रॉस पोलिनेट हुआ और उसमें जो ब्रोकली के हैं वो कुछ सीड वो ऑर्नामेंटल कैबेज की तरह कि उनके अंदर हैबिट्स आ गई हैं। उनमें कुछ पर्पल हैं, कुछ रेड हैं और उसी तरह का कलर में वो जो है ब्रोकली भी जो है वो बन गई। तो मैंने इस बार उसे इस्तेमाल तो नहीं किया, मैंने सीड के लिए छोड़ दी कि शायद इसमें कुछ और म्यूटेशन आ जाए। तो मैं आए चलें आपको दिखाते हैं कि किस तरह से उनके अंदर जो है वो म्यूटेशन आई है जी। तो आप ये देखें, ये असल ब्रोकली है, ये देखें, और इसके बिल्कुल वो जो ब्रोकली का पौधा होता है बिल्कुल वही इसकी हैबिट्स हैं, वही इसकी शक्ल है। इसके अंदर जो है ये अगर आप इसके पत्तों को देखें तो इसके पत्ते सब्जी माल सफ़ेद, इनके अंदर वो जो है इनकी रगें हैं सब्जी माल सफ़ेद है, बिल्कुल सफ़ेद नहीं है। तो दूसरी मैं आपको दिखाता हूँ जो पर्पल रेड और सफ़ेद है उनमें कितना फ़र्क है वो भी देखें आप जी। तो ये देखें, ये सफ़ेद इसके अंदर जो है वेरिएशन आई है और बिल्कुल इसका फूल जो बना था वो ब्रोकली की तरह था बना, ब्रोकली की तरह से बना था। और इसके और उस ब्रोकली के पत्ते के अंदर फ़र्क देखें कैसे आया है, ये देखें इसकी वो साइडों वाली रगें भी जो हैं वो सफ़ेद है और इसी तरह से पर्पल, ये पर्पल है, ये देखें इसका रंग फूल का भी पर्पल है और इसकी जो रगें हैं वो भी पर्पल हैं और साइडों से उसी तरह से ये नीचे से भी वो फूल और बीज जो है वो निकाल रही है। अब ये बीज की तरफ चली गई है, इसने जो है वो शुरू कर दिया है, फूलना शुरू कर दिया है। तो ये पर्पल कलर है और मैं अब आपको देखता हूँ रेड भी मैं आपको दिखाता हूँ जी। दोस्तों ये पौधा था जब मैंने इसके साथ ये निशानी लगाई थी, निशानी के तौर पे ये स्टिक लगाई थी, उस वक़्त इसका जो था वो मैरून रंग था, लेकिन अब ये क्योंकि वो चली गई है फ्लावरिंग की तरफ चली गई है, इसके वो बीज की तरफ चली गई है, तो इसने रंग फेड कर दिया है। अगर आप देखें तो ये बिल्कुल इसका रंग फेड हो गया, तो इस तरह का बन गया। तो इसके अलावा और भी कुछ हैं, मैंने ज़ाया नहीं किए, मैंने सिर्फ इन्हें एक्सपेरिमेंट के लिए छोड़ दिया है कि नेक्स्ट देखेंगे कि नेक्स्ट ये क्या करते हैं। ये इसी तरह से ये देखें, अगर आप ये सफ़ेद है, ये भी इसी ब्रोकली में से ये निकला है, ये बाकी सब ब्रोकली लगी हुई है, ये अगर आप देखें ये ब्रोकली लगी हुई है, ये ब्रोकली में से ये जो है ये निकला है ये सीड। तो ये अगर कोई दोस्त इस तरह का शौक रखते हो और वो चाहते हो कि उन्हें भी वो भी इस तरह से इंजॉय करें इस तरह का एक्सपेरिमेंट, ये देखें ये भी एक इसी तरह से ये निकला है, ये ब्रोकली के अंदर, ये देखें ये सब ब्रोकली जो है ये फूल रही है, ये बीज के ऊपर आ गई है सारी ब्रोकली, ये देखें। तो ये उसी में से ये सीड निकले थे। नेक्स्ट जो है इसकी जनरेशन वो शायद इससे ज़्यादा बेहतर कलर दे दे। अब अगर आप देखें तो इसके नीचे भी ये देखें, ये रंग इसके जो है ये वो ऑर्नामेंटल कैबेज वाले जो हैं इसके वो इसके अंदर हैबिट्स आ गई हैं।
तो ये जनाब आज का व्लॉग था। तो ये मैंने किया नहीं है लेकिन ये हो गया है, तो इस तरह से भी हो जाता है। और इसमें कुछ जो फूल निकले हैं ब्रोकली के, वो तो बिल्कुल पर्पल उनका कलर है, और एक वो फूल था उसका वो उसके अंदर रेड थी, मैरून रेड कलर था। तो लेकिन वो चूंकि अब वो उसके फूल गए हैं, उसके जो जो उसके ऊपर बना था फ्लावर बना था, तो उसने रंग अपना फेड कर दिया। तो शायद नेक्स्ट इसकी जो जनरेशन हो उसके अंदर ज़्यादा बेहतर कलर आए, या हो सकता है ये भी हो सकता है कि कलर बिल्कुल ख़त्म हो जाए। लेकिन अगर कोई दोस्त इस तरह का शौक करना चाहता है तो मैं इंशाल्लाह उसे फ्री ऑफ कास्ट ये सीड देने के लिए मैं तैयार हूँ। उसे रब्ता करें आप, इंशाल्लाह आपको सीड में फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड कर दूंगा। ये देखें, मैं एक और भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये सारी ब्रोकली लगी हुई है, तो इसके अंदर ये देखें ये कितने प्यारे कलर इसके पत्ते के अंदर कैसे निकल आए हैं, और इसके फूल का और दूसरे फूलों का रंग का आप फर्क देखें कितना। ये देखें, ये असल रंग है, और ये देखें ये कितना फर्क है इसमें कलर में। ये येलोइश टाइप जो है इसका रंग बन गया। तो ये एक मुझे महसूस हो रहा है कि ये एक नई वैरायटी एक नई बन गई है। तो मैंने आप लोगों के शौक को परवान चढ़ाने के लिए ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई है। इसमें मैं कोई दावा नहीं करता, मैंने पहले भी अर्ज किया है कि ये हो गया है, ये मैंने किया नहीं है। तो इस तरह के काम हो जाते हैं। इसके अलावा एक और भी जो मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार काम देखा, वो अगले व्लॉग में आपको के साथ इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।